बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। हम ड्यूटेरोस्टोम्स का तीसरा फाइलम पढ़ने लगे हैं। और कॉर्डेटा हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। हम नोटोकॉर्ड क्या होती है ये आगे चल के देखेंगे। बेसिकली सब के अंदर पाया जाता है। जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उस सब में नोटोकॉर्ड होगी। और नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। जिस तरह आपको इस वक्त रीढ़ की हड्डी सपोर्ट दे रही है खड़े रहने के लिए या बैठने के लिए, उसी तरह इनके अंदर मतलब हम इन सारे कॉर्डेट्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। और वो लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, यानी कि बॉडी तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी है। और ट्रू सिलोम इनके अंदर मौजूद है। ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे मुंह बनता है इनके अंदर एम्ब्रियो में। एडवांस ग्रुप है, रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं सारे, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के अंदर हैं। और तमाम तरह के हैबिटेट्स में, पानी में, समंदरों, दरियाओं, नदी नालों में, हवाओं में, खुश्की के ऊपर, हर जगह ये पाए जाते हैं पूरी जमीन के ऊपर। तो तीन बेसिक फीचर्स हैं जो इन तमाम के अंदर पाए जाते हैं और ये इनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये इससे पहले आपने इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं है, तो इसलिए आपको जरा समझने में तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, नोटोकॉर्ड सबके अंदर पाई जाएगी, लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में मौजूद होगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है, यानी कि कमर की तरफ होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ग्रे कलर की ये जो लाइन नजर आ रही है ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, बेसिकली स्टिफ वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर वैक्यूल है, उस वैक्यूल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो उनके अंदर तनाव होता है, अकड़े हुए होते हैं वो सेल्स। और वो पानी से भरे हुए सेल्स की एक लाइन है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रखती है। जिस तरह आपकी छत के अंदर शहतीर होते हैं, बीम बने हुए होते हैं, उसी तरह ये बॉडी के अंदर बीम की तरह सपोर्ट देती है। अब ये लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में मौजूद होना जरूरी है, यानी कि इस वक्त आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप चंद मिलीमीटर के थे, अपनी माँ के पेट में थे, तो उस वक्त ये मौजूद थी और उस वक्त आपकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम कर रही थी। बाद में आप बड़े हो गए, ये खत्म हो गई, तो बहरहाल हम कहेंगे कि जिंदगी में कभी ना कभी मौजूद थी, इसलिए आप नोटोकॉर्ड कॉर्डेट हैं। इसी तरह इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है नोटोकॉर्ड की डॉर्सल साइड पे, यानी कि नोटोकॉर्ड ये दरमियान में है, इसके ऊपर कमर वाले इलाके में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर होता है, यानी कि वो ब्रेन होगी और स्पाइनल कॉर्ड होगा। और अमूमन अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, यानी कि दरमियान में कुछ ना कुछ खाली जगह मौजूद होती है। और तीसरा मेन फीचर है गिल ओपनिंग्स। लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में हम सब में गिल ओपनिंग्स पाई जाती हैं, यानी कि गलफड़ों के सुराख होते हैं। और जिस तरह मछली के सुराख आपने देखे हैं, साइड पे वो कट लगा हुआ होता है जिसमें से पानी आ जा रहा होता है, तो वो गिल ओपनिंग कहलाती है। तो हम सब के अंदर लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में गिल ओपनिंग होना जरूरी है। मसलन हमारे अंदर वही बात कि जब हम बहुत छोटे थे, माँ के पेट में थे, तो उस वक्त हमारे पास वो गिल ओपनिंग्स भी मौजूद थी, नर्वस सिस्टम तो मौजूद है ही है, और नोटोकॉर्ड भी मौजूद थी। तो ये ह्यूमन एम्ब्रियो कह लेंगे, वो तकरीबन तो ऐसा ही होता है। और उसके मुकाबले में अब इस ह्यूमन एम्ब्रियो को और इस एम्फियोक्सिस को कंपेयर करेंगे तो दोनों तकरीबन तो एक जैसे हैं, गरचे बाद में एम्ब्रियो ग्रो करके जरा और स्ट्रक्चर ले लेता है। तो अब कॉर्डेट को हमने डिवाइड किया हुआ है दो मेजर ग्रुप्स में। एक है एक्रेनिया। एक्रेनिया का मतलब है कि इनके अंदर क्रेनियम नहीं होती। क्रेनियम का मतलब है खोपड़ी। ठीक है, तो एक क्रेनिया का मतलब है कि इस ग्रुप में खोपड़ी नहीं होती। क्रेनियाटा का मतलब है खोपड़ी वाले। अब एक क्रेनिया में दो ग्रुप्स आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स ये कॉर्डेट्स के वो वाले ग्रुप हैं जो ज्यादा जाने पहचाने नहीं जाते। आगे एग्जाम्पल्स आएंगी, जो ज्यादा आप जानते पहचानते हैं जिनको, वो हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स वाले। यानी कि तीन सब फाइलम है, यानी कि फाइलम को तीन छोटे हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में आप वो ग्रुप्स आते हैं जिनको आप जानते हैं।
अब इसको भी हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है वर्टिब्रेट्स को। एक है सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस कहते हैं मछलियों को, वर्ड आपने सुना हुआ है वो सितारों की चालों वाली जो खुराफात होती है उसके अंदर वो दो मछलियां मछलियों के सिंबल बने हुए होते हैं, तो उस स्टार का नाम पाइसेस होता है, तो वही पाइसेस बेसिकली मछली को कहते हैं। तो पाइसेस में आती है मछलियां और उनके रिश्तेदार, ठीक है, कौन कौन से हैं? तीन हैं, साइक्लोस्टोमा यानी के गोल मुंह वाले, साइक्लो का मतलब गोल, स्टोमा का मतलब मुंह, गोल मुंह वाले, कॉन्ड्रोइक्थिस। कॉन्ड्रोइक्थिस कहते हैं शार्क्स को या शार्क्स के रिश्तेदार को जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती बल्कि उनके अंदर कार्टिलेज होती है। और तीसरे हैं ऑस्टियोइक्थिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन से रिलेटेड, ऑस्टियो आपने पढ़ा हुआ है, ऑस्टियो प्रोसेस सुना हुआ है, ठीक है, जो हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी है, तो ऑस्टियोइक्थिस है। ऑस्टियोइक्थिस कहते हैं हड्डियों वाली मछलियां जिसमें आपकी ये रहू वगैरह जो आपको आम बाजार से मछली खाने के लिए मिलती है वो सारी आती हैं। तो ये है सुपर क्लास पाइसेस। उसके मुकाबले में है सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब चार, पोडियम पाऊ को कहते हैं, टेट्रापोडा चार पाओ वाले या चौपाए। इनमें कौन कौन आता है? इनमें आते हैं एम्फीबिया यानी फ्रॉग के रिश्तेदार जो अपनी जिंदगी पानी और खुश्की दोनों पर गुजारते हैं, रेप्टिलिया यानी कि छुपकलियों या मगरमच्छों के रिश्तेदार जो बेसिकली अंडे देते हैं लेकिन जिंदगी खुशकी पे गुजारते हैं, अंडे भी खुशकी के ऊपर देते हैं। फिर क्लास एवीस है, एवीस में बर्ड्स आते हैं, परिंदे, और मैमल्स, मैमल्स में हम खुद आते हैं, हम जैसे दूसरे बहुत सारे जानदार आते हैं, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ तरीके से अब इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स ये लेसर नोन है, इनको आपने आमतौर पे अपने इर्द गिर्द नहीं देखा, बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। इसी तरह पाइसेस हैं, फिश और एम्फीबिया हैं, इनको हम एन एमनियोट्स भी कहते हैं। एन एमनियोट का मतलब है कि इनके अंदर एमनियन नहीं होती। एमनियन क्या होती है? एमनियन बेसिकली अंडे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसने मतलब जब चूजा बन रहा है अंडे में तो उसको एक झिल्ली के अंदर उसने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। अब मछलियां और एम्फीबिया इन दोनों के अंदर एमनियन नहीं होती, इसलिए हम इनको एन एमनियोट्स, इन दोनों को मिलाकर अलहदा से एन एमनियोट कह सकते हैं। यानी कि आप पाइसिस और टेट्रापोडा के हिसाब से क्लासिफाई ना करें तो आप एन एमनियोट और एमनियोट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स को। एमनियोट्स में बाकी के तीन ग्रुप आते हैं, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। इनके अंडों में वो आपने अंडे के अंदर एक मेम्ब्रेन देखी हुई है, एक झिल्ली होती है, जब अंडा उबालते हैं तो वो नीचे चिपकी हुई होती है, इसी तरह की तीन मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये रेप्टाइल्स में भी होती हैं, बर्ड्स में भी होती हैं और मैमल्स में भी होती हैं, तो इस वजह से इनको हम एमनियोट्स कहते हैं, ये तीनों एक जैसे हैं।